आज झारखंड विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे समय में आप देखेंगे जो छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं अब पूरे सभा पे है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। 60 और 40 नहीं चलतो का नारा देने वाले ये छात्र संगठन यहाँ पे धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, क्योंकि जो मामला है कहीं ना कहीं नियोजन नीति से जुड़ा है और 60-40 नियोजन नीति को वापस लेने की मांग की गई है। ओबीसी आरक्षण 7 जिलों में 0 को वापस लेने की मांग की गई है और जनगणना जो है जातिगत जनगणना को लेकर भी बात कही जा रही है। ये कहीं ना कहीं आंदोलन का एक उग्र रूप है और अभी आप देखेंगे कि छात्र धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं और इनकी संख्या यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगी और विधानसभा की ओर कूच करेंगे। वो आप देख सकते हैं अभी संख्या धीरे धीरे अब इनकी बढ़ रही है यहाँ से देखेंगे, क्योंकि पूरे कई जिलों से छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं और इनके जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो वो भी यहाँ आएंगे। तो ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके हाथों में आप देखेंगे क्या है, जेएमएम प्लस कांग्रेस बाहरियों का सरकार, इनके हाथ में जो पोस्टर है, आपके हाथ में जो पोस्टर है क्या कहना चाहते हैं? 60-40 है उसका जो 90-10 होना चाहिए उसके। कहाँ से आए हैं? रांची से। रांची से। तो ये देखिए धीरे धीरे है, क्या है आपके हाथ में, क्या है बताइए। सर मेरे हाथ में जो है हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 60-40 का विरोध में, तो हम लोग सरकार के जो नीति है इसे काफी प्रभावित है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये आप देखेंगे आज विधानसभा का घेराव का बात है और हमारे साथ मनोज जी जुड़ रहे हैं। आज कुछ दिन पहले आप लोग तमाम विधायकों से मुलाकात हुई और फिर अचानक आप लोग रद्द किए, फिर जा रहे हैं विधानसभा घेराव। अरे धोखा दे दिया हमरा जी, ये आलमगीर आलम साहब हमरा बुलाए कि आपको मुख्यमंत्री से मिला करके आपको 60-40 नहीं रखेंगे, झारखंडियों का होगा और अगले दिन जो है सो वैकेंसी दे दिए। ये ककरा से बात की है तुरंत, मैंने ये इतना तत्पर हो गया कि 24 घंटा में मुख्यमंत्रियों से मिल लिया, सारा जेएसएससी से मिल लिया और तुरंत डिसीजन दे दिया। ये जो है हम लोगों को बरगराने के लिए उस दिन बुलाए और हम लोगों को धोखा देने का काम किए हैं। हम सोचे अगर यदि बिना आंदोलन का ही हमारा अपना यदि वहाँ सरकार है, अगर हम लड़कों को क्यों परेशान करेंगे, लेकिन ये हम लोगों के साथ धोखा किए हैं। आज जो है आज कोई जवाब नहीं है उनके पास में, कोई जवाब नहीं है। हमने कहा था कि आप आवासीय प्रमाण पर यह 40% है वो किसके लिए है, झारखंडियों के लिए कि पूरे भारत के लिए, तो उन्होंने बोला खाली झारखंडी के लिए। ये जो सब सारा चीज जो है आप हम बता रहे हैं, ये हम लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम किए हैं। मतलब काफी देर तक आप लोगों की बातचीत हुई थी, क्या मतलब मूल बात फिर, मतलब क्या उन्होंने वादा किया था? ये वादा किया था कि मैं झारखंडियों के हित में जो है ये नियोजन नीति ला रहा हूँ, 60-40 नहीं रहेगा, हम लोगों का आप लोगों के हित का बात होगा। बोलिए 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 आप। हाँ
ये चीज जो है सो हम लोगों के बारे में बोला गया था, लेकिन अभी जो है हम लोग बोले कुछ कर रहे हैं कुछ, हम लोग ये पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप लोग फिर विधानसभा घेराव देखिए लड़का लोग कचकचा के मारबो करेगा जेकरा मन करेगा ओकरा। हम तमाम जितने भी छात्र है हम यही बोलते हैं कि जितना भी भूखे प्यासे सब ठेला ठेली में खाइए, क्योंकि बिहारी लोग इतना यहाँ लूटा है, इतना लूटा है कि 22 साल से खोखरा बना दिया है बाहरी लोग यहाँ। तो हम यही कहते हैं कि हम लोग को ठगने का प्रयास करते हैं वर्तमान आलमगीर आलम साहब, हम लोग को ठग दे शाम में बोलते हैं कि ये चीज करेंगे, सुबह जारी कर देते हैं। इन लोग समझ में नहीं आता कि कौन आदमी है यार, लोग दारू उरू पी के चला रहा है सब, यहाँ चला रहा है कि क्या यार, रंडी खाना इन लोग थिएटर बना दिया है, लौड़ा लहसुन चिल्लाते रहता है, कोई हिजड़ा बोलता है, देखो लौड़ा लौड़ा बोलता है, हटाने की कोई बात नहीं, जो सही बात है आपको बोला ना वहाँ कांग्रेस और विधायक में शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप शब्द नहीं खुद विधानसभा हम हाथ जोड़ते हैं, हम आप शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन विधानसभा में तो खुद उन लोग कर रहा था जिला रणधीर सर रणधीर सिंह थे और हाफिज इरफान अंसारी थे। अभी अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है सर हम लोग का कि आज हम लोग आर पार की लड़ाई, आज शहीद दिवस है, चाहे शहीद होना पड़े हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है, क्योंकि आज 23 मार्च है, आज ही के दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह चढ़े थे खुशी से फांसी में चढ़ गए थे, हम लोग भी फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है, अगर नौकरी रहे तो फांसी में एक साथ चढ़ेंगे, एक साथ चढ़ेंगे और अभी चढ़ेंगे विधानसभा में अगर तालिका दे और ये गुलगुलान जारी रहेगा। देखिए और ये चीज आप जो बोले गुलगुलान जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग थाली से खाना को छीना गया है, जारी रहेगा और छात्र नेता काफी उग्र हैं और ये छात्र नेता कहीं ना कहीं अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। ये आप देखेंगे ये छात्रों का जो मूवमेंट है धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं और अब आने वाले समय में आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सभी कोई रांची से आए हुए हैं और हम यहाँ पे जो नियोजन नीति को लेके जो इतना हंगामा चल रहा है सरकार से, हम अपना मांग रखने के लिए आए हैं, डेलीगेट्स के लिए बातें रखने के लिए आए हैं। जिस तरह से नियोजन नीति लाई गई है साफ साफ उसमें नजर आ रहा है कि एक विशेष वर्ग को अलग से तवज्जो दिया जा रहा है, जो स्टार्टिंग में ये मैनिफेस्टो में लेके आए हथियार आधारित नियोजन नीति लाएंगे। सवाल है भाई, अभी झारखंड गठन के 23 वर्ष हो रहे हैं, अब तक चीजें तय नहीं है, नुकसान किसको हो रहा है? अभ्यर्थियों को हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है। सरकार स्थानीयता की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, झारखंडियों की बात करती है। अभी जो लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया है उस पर सरकार बता दे कि यहाँ झारखंड के स्थानियों के लिए क्या अलग है। सिलेबस अगर देखा जाए तो जो बाहर पढ़ रहे लड़के यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली कहीं भी वो बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ आए तो उनको भी समान पेपर देखने को मिल रहा है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। एटलीस्ट आप 1932 की बात करते थे, 1932 नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है सिलेबस तो दीजिए यहाँ के लिए कि झारखंड झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए कोई बेनिफिट हो पाए, कुछ तो सिलेबस अलग कीजिए, झारखंड जीएस का पेपर रखिए। अभी जो लैब टेक्नीशियन का निकला हुआ है उस पर आप सिलेबस देखिएगा तो कुछ अलग दिखता नहीं है, वो एकदम बिल्कुल समान है, बाहरी अभ्यर्थियों के लिए भी वही है झारखंडियों के लिए। उसमें जो सिलेबस है उसमें झारखंड के जो विषय नहीं है, झारखंड जीएस का पेपर होना चाहिए और अपना पोते बिस्तर लेके कहीं से भी आइए, भरिए और लेके चलिए जॉब। और जो हम जब झारखंड अलग हुआ क्यों, जब झारखंड को आप अलग किए हैं तो हम लोगों के लिए वहाँ पे जॉब के लिए आप व्यवस्था कीजिए। आप आते हैं और ओपन कर देते हैं 60-40, इसके लिए 60-40 लाए हैं, 60 तो चलिए रिजर्वेशन हो रहा है, 40% किसके लिए जा रहा है? ये जो 60-40 की जो बात हो रही है, आखिर ये नीति बनाने वाले कौन लोग हैं? नीति बनाने वाली सरकार है, विजनलेस सरकार, जो कि पब्लिक को जब से सत्ता में बैठी तब से मूर्ख पे मूर्ख बनाती गई, हम छात्रों को आश्वासन पे आश्वासन देती रह गई, अब 3.5 साल बर्बाद हो चुका है, अब बची खुची 1.5 साल है, 1.5 साल में भी अब क्या करे क्या नहीं करे, छात्र असमंजस में पड़े। एक युवा का आप तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार में बैठे हुए हैं और फिर जब इतना विजन ही नहीं था तो आप बैठे क्यों, इस्तीफा दे दीजिए। आप नियोजन नीति लेके आते हैं पूरा, अच्छा ये बताइए 40% पूरा ओपन कर दिया जा रहा है, कम से कम सी ग्रेड और डी ग्रेड में कोई भी स्टेट में आप सर्वे कीजिए, आप तेलंगाना चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, बंगाल चले जाइए, पूरे इवन बिहार में बाहरी को यदि कोई टीचर बनना हो तो बाहर के लोगों के लिए अब वहाँ जगह नहीं है,
वहाँ प्रखंड स्तर पे उन लोगों ने नियोजन नीति को बनाया बिहार में। बिहार से ही नहीं, आप बिहार से ही कंपेयर कर रहे हैं। बिहार का देखिए क्या है, 10% आप अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 40% अप्लाई कर सकते हैं और 10% हम भी अलाउ कर रहे हैं। आप 90% झारखंड के लोगों को नौकरी दीजिए, 10% बाहर को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 ये देखिए, ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं ये छात्रों की जो बातें हैं बहुत मूलभूत बातों को इन लोगों का कहना है। और ऐसे में यदि नीति बनाने वाले लोग यदि इस तरह से नियम बनाएंगे तो परेशानी होगी। क्यों नाराज है सरकार? बिल्कुल नाराज होंगे। अगर हमारे हक की चीज, हक का चीज अगर कोई ले ले जबरदस्ती तो नाराज होंगे ना। जैसे हम क्या बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में हम अपना फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं? क्या हमारा अधिकार है वहाँ अप्लाई करने का? हम वहाँ 40% पाते हैं क्या? हमें वहाँ 1% भी नहीं मिलता। और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो क्या किए हैं? वो 40% ऑल, हम तो बोलते हैं पूरे विश्व को दे दीजिए ना भाई। आपसे सरकार, आपसे सत्ता नहीं चल रही है। आपके MLA जो है रणधीर सिंह वो बोलते हैं हिजड़ा है विधानसभा, वही खेलने के लिए चीज है। और इरफान अंसारी बोलता है लोंडा, वही देखने के लिए झारखंड के वासी आपको चुना है। आप कौन सा मुद्दा उठाएंगे? युवा रोजगार, आप किसी युवा का जाके उसके माँ बाप को पूछिए रोज रात में उसके साथ क्या गुजरता है, वो कहाँ से माँ बाप का यातना उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप को हमको देखना। वो उम्र पार हो रहा हुआ, मेरा खुद का उम्र पार हो गया, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे आने वाला जनरेशन जो है वो सफर ना करे, वो इस चीज का नहीं मारी हो। अगर आज मेरे पेरेंट्स अगर जाग गए होते, मेरे पूर्वज जाग गए होते तो आज 23 साल हो गया, 23 साल में कितना युवा यहाँ रोजगार पा जाता। क्या हमारे राज्य में BEd के लोग नहीं है? वो छट जाएंगे, कट ऑफ हाई जाएगा। और अभी जो ये नीति लाए हैं उसमें किसी जिला में OBC का 43 है, कहीं 0 है। ये कौन सा नियम है? आप कौन सा नशा करके ना ये पॉलिसी बनाते हैं? कौन क्या करते हैं? एक बात, आप लोगों ने जो पोस्टर में लिखा है 7 जिलों में जो मामला है OBC रिजर्वेशन का, क्या है? देखिए कहीं कहीं पे पहले तो 14%, ये 27% तक ले जाके हेमंत सोरेन जी 27% बोल के पूरा वाहवाही ले लिए, हर जगह रैली कर लिए, बाद में ये कोर्ट में मामला जाके फंसा। उसके बाद अभी ये एक रोस्टर निकाले हैं जिसमें कहीं पे 14% दिए हैं, कहीं पे 0 दिए हैं, अपना मनमर्जी किया है। कभी कभी इनके जो मिनिस्टर है आलमगीर आलम साहब वो बोलते हैं कि आप देखिए आप लोग को विरोध करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लाएंगे नियम कि झारखंड के ही लोगों को नौकरी मिलेगा। और 2 दिन के बाद वही 60-40 जो हम लोग बोलते हैं 60-40 ना चल तो उसी को ये लोग चला के दिखा देते हैं। आगे अब क्या रणनीति है, अभी कहाँ जाएंगे? बस ये सोई हुई सरकार को हम जगाना चाहते हैं, अगर नहीं जागा तो 24 में उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे जो करना पड़े इसके लिए। अगर युवाओं के साथ खेल करेगा झारखंड के युवाओं के साथ। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और लगभग झारखंड में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहे, वो BJP हो, आसू हो, कांग्रेस हो, JNM हो, RJD हो, तमाम लोग जब सत्ता में रहते हैं तो चीजों को क्यों भूल रहे हैं? बिल्कुल, ये संटा बंटा का खेल समझ लिया है BJP वालों ने भी, आजसू वाले ने भी, कांग्रेस ने, JNM ने। एक बार इनके हाथ सत्ते, एक बार इनके हाथ सत्ते, और भाड़ में जाए सारे जनता, सारा युवा, राज्य को बर्बाद करके रख दिया। किसी में कोई भी बाहर का आदमी अगर यहाँ MP MLA बनेगा तो वो अपने जैसे माँ धरती को पूजता है ना, उस तरह नहीं पूजेगा, वो दरिंदा की तरह यहाँ लूट के जाएगा। और वो चीज जारी है, लूट रहा है और लूट रहा है, चाहे वो रोजगार के नाम में हो, चाहे वो खनन के नाम में हो, हर चीज में ये लूट रहे हैं। झारखंड को लूट लेगा उसके बाद छोड़ देगा, ये इनका नीति ही यही है। तो ये देखिए, ये इनकी उम्र जो है नौकरी की खत्म हो गई है, लेकिन आंदोलन में शामिल इसलिए हुए हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कोई आवाज उठा सके। और यही वजह है कि ऐसे कई लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आखिर 60 और 40 का जो रेशियो है, आखिर ये क्या माजरा है, ये राज्य सरकार को एक बार चिंतन करना चाहिए।
तो हम एक बार फिर जुड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। बस हम यही कहना चाहते हैं, जो लड़का समझ रहे हैं ना, हम घर के भीतर में बैठ के पढ़ रहे हैं और कलम चला रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इतना जान लीजिए अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सब में सेटिंग करके हो गया। क्यों हुआ है? यहाँ जितने अधिकारी हैं सब अपने भतीजा को, साली को, बीबी को, सबको लाया है वहाँ। तुम कलम घंसते रह जाओगे, पढ़ाई के साथ लड़ाई जरूरी है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो आपका हिस्सा का है वो क्रीम खाएगा बाहर का आदमी, और बाद में आप जाके उनका जूता पोछेंगे। जूता पोछने के अलावा आपको कोई काम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी युवाओं को हम जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा उम्र खत्म हो चुका है, आप लोग जाग जाइए और सरकार के सामने अपना आवाज उठाइए। आप समझ रहे हैं मेरे एक नहीं जाने से क्या हुआ? एक एक करके ही इतना आदमी आज भरा है। अगर मैं नहीं आता तो एक ये आवाज कौन उठाता? इसी तरह सबको निकलिए, लड़कियां निकालिए, हमारे अभिभावक निकलिए, हमारे गार्जियन निकलिए और ईंट से ईंट बजा दीजिए। काला झंडा इनको दिखाइए। आपके विधायक आपके क्षेत्र में जाता है तो उनको काला झंडा दिखाइए, ताकि उनको भी समझ में आए इस राज्य का युवा क्या चाह रहा है। इनको जगाइए और बता दीजिए 24 में आपका हम नस्तो नाबूद कर देंगे। ये देखिए, ये छात्रों का एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से समय धीरे धीरे बीत रहा है, उम्र बीत रही है और नौकरी को लेकर बेहद परेशान है जो छात्र, वो तमाम लोग पहुंचे हैं। लेकिन एक नया पोस्टर है, ब्लूटूथ नियोजन नीति नहीं चलेगी, ये क्या है? सामान्यतः ये हमारे राज्य में कई परीक्षाओं में, पूर्व में जो परीक्षा हो चुके हैं उनमें से अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, कई इनका प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन उन लोगों के साथ बाद सरकार क्या करती है वो स्पष्ट हम लोग को पता नहीं चल पाता। हाल के एग्जाम में जेई में जो घटना घटी है, उन जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उनके साथ क्या हुई है, सरकार सार्वजनिक करे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात, हम सरकार को यह आह्वान करते हैं कि यदि आप सही नीति नहीं बना सकते हैं तो जो पूर्व की नीति थी, रघुवर दास के समय जो नीति 85 की नीति, आप उसे रहने देते। जब बनाने का हैसियत नहीं है तो आपको बिगाड़ने का भी कोई हैसियत नहीं है। अतः हमें जिस स्थिति में थे उस स्थिति के अनुसार एग्जाम ले। ये ब्लूटूथ नियोजन नीति क्या है, ये पोस्टर आपका क्या कह रहा है? ये ब्लूटूथ सिर्फ ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से परीक्षाओं में लोग संलिप्त तो हो जाते हैं, और इससे जो जेन्युइनली तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसे मार खाते हैं। इसका कई प्रूफ निकल चुका है, उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है उनका हमें जवाब चाहिए। और वो ये आप देखेंगे जो है अलग अलग पोस्टर लेकर धीरे धीरे जो छात्रों का जो हुजूम है वो पुराना विधानसभा के पास पहुंच रहा है, और ये तमाम लोग धीरे धीरे करके झारखंड विधानसभा की ओर रुख करेंगे। और कहीं ना कहीं आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में अपनी बातों को विधानसभा के तमाम जो विधायक हैं, 81 विधायक हैं, उनके कानों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे छात्रों का जो उनकी जो भीड़ है वो यहाँ जमा हो रही है, और ये तमाम लोग जो हैं झारखंड विधानसभा की ओर कुछ करेंगे। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से इनकी रवानगी होगी, और चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे पुलिस की भी व्यवस्था जो है यहाँ की गई है। तो वैसे में ये जो छात्र हैं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राज्य गठन के 23 वर्ष बीत चुके हैं और चीज़ें तय नहीं हैं, और वैसे में जब चीज़ें बदलती हैं तो छात्र परेशान होते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग विधानसभा रुख करेंगे। तो हम आपको झारखंड का जो पुराना विधानसभा है वहाँ जो मैदान है, शहीद मैदान, वहाँ जमा है सभी छात्र। तो हम आपको पल पल की जो तस्वीरें हैं झारखंड की राजधानी रांची से वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी हैं राजेश तिर्की, और हम अभी जो है तमाम चीज़ों को रोकते हैं, और थोड़ी देर के बाद यहाँ जो मूवमेंट आगे शुरू होगा तो पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
तो समाचार प्लस आप लोग देख रहे थे फेसबुक लाइव पे, तो हम आपको पल पल देखे अब देखेंगे थोड़ा जो छात्र हैं कहीं उग्र हो रहे हैं और ये मांग हो रही है कि जो सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है तो उसको सरकार वापस ले, ओबीसी को जो आरक्षण देने की जो बात कही गई है उसको लेकर के भी छात्रों में एक विरोध है कि सरकार ने कैसी नीति बनाई है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो ये आप देखेंगे छात्रों का जो लगातार जो छात्र हैं अलग अलग जिले से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ से पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे।